आज आप सभी का हमारे चैनल टीम माइस में स्वागत करती हूँ। आज मैं भारत के बहादुर महिला और फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर के बारे में बात करूँगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर पंजाब में प्रकाश लाल पेशावरिया और प्रेमलता पेशावरिया के यहाँ हुआ था। उन्होंने 1968 में अमृतसर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन से अंग्रेजी में अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पूरा की। उन्होंने 1970 में राजनीतिक विज्ञान में अपना स्नातक पूरा किया और अपनी कक्षा की टॉपर रही। स्नातक पूरा करने के तुरंत बाद 1972 में उनकी शादी ब्रिज बेदी के साथ हुई, तभी से उनका टाइटल जुड़ा बेदी, जिसे अभी के टाइम में हम किरण बेदी के नाम से जानते हैं। उनकी एक बेटी हुई। किरण बेदी ने अपने करियर की शुरुआत एक पुलिस अफसर से नहीं बल्कि 1970 में अमृतसर के खालसा कॉलेज फॉर वीमेन में राजनीतिक विज्ञान की व्याख्याता के रूप में की। अपने शिक्षण करियर के 2 साल बाद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की और आईपीएस अधिकारी बन गई। इसने उन्हें सेवाओं में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। भारतीय पुलिस सेवा में अपने करियर के दौरान उन्होंने नई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, चंडीगढ़ के राज्यपाल के सलाहकार का भी कार्य किया। उन्हें उनके काम के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। वे भारत की पहली महिला आईपीएस बनी। वे भाजपा में 15 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में शामिल हुई। वे सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और वो एक मिसाल के तौर पर मानी जाती हैं। कितने लड़कियों की ये रोल मॉडल भी रही है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।